तो बेसिकली इनका एक ओल्ड स्कार था जो कि राइट साइड ऑफ चिन मैंडिबल के बेसिकली लेटरल बॉर्डर से अगर देखा जाए तो सब मैंडिबुलर एरिया से स्टार्ट हो रहा था ये, और सब मैंडिबुलर स्टार्ट होते 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 ये टूवर्ड जो है ये ऑर्बिट की तरफ जा रहा था, नेजोलेवियल लाइन की तरफ से टर्न होके टूवर्ड्स ऑर्बिट इन्फीरियर ऑर्बिटल जो आर्टरी एंड नर्व होती है उस तरफ जा रहा था। तो एक एक क्लियर कट डिमार्केशन, और बेसिकली इनका मेन कंसर्न था कि जो है अभी बच्ची जो है शादी के लायक हो गई है और उसका जो है इतना बड़ा स्कार है। ये एक डिप्रेशन था, ये एक जो डिप्रेशन था ये बहुत ओबियस था। अगर हम इसको ये देखें, अगर मैं इसको जो है मूव करता हूँ, यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से एक डिप्रेशन आया, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जो कि डिप्रेशन यहाँ की तरफ जाते हुए ये फिर एक एलिवेशन आ रहा है। दिस एलिवेशन इज़ नॉर्मल, ये जो एलिवेशन है ये नॉर्मल है, यहाँ वाला एलिवेशन नॉर्मल है। और अगर हम इसको देखें स्मूथ कर्वेचर जो कि मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का एक बेसिकली ये बोलना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन बींग का होना चाहिए, तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है। तो इसको हम एलिवेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिलेटिवली ये डिप्रेशन है ये वाला एरिया में। इसको हमने पहले लोकल एनेस्थीसिया दे दिया है, लोकल एनेस्थीसिया बहुत सिंपल रहता है इसमें, और इस समय जो है पेशेंट एकदम जो है हमसे बात भी कर सकता है और पूरा प्रोसीजर को समझ भी सकता है कि उसके मतलब बेसिकली लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उससे रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें भी वो समझ सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है ना। चेहरे पर निशान की सर्जरी, जिसे अक्सर निशान संशोधन सर्जरी के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य चेहरे पर निशान की उपस्थिति में सुधार करना है। इस प्रकार की सर्जरी विभिन्न प्रकार के निशानों को संबोधित कर सकती है, जिनमें एक्नी, इंजरी, सर्जरी या अन्य स्थितियों के निशान भी शामिल हैं। निशान सर्जरी के लक्ष्य सौंदर्य संबंधी सुधार, दागों की दृश्यता कम करें और चेहरे की समरूपता बढ़ाएं, कार्यात्मक बहाली, त्वचा की बनावट और कार्य में सुधार, खासकर यदि निशान गति को प्रतिबंधित करते हैं, उपचारित स्कार्स के प्रकार, हाइपरट्रॉफिक निशान, उभरे हुए निशान जो मोटे और लाल हो सकते हैं, केलोइड निशान, अत्यधिक विकसित ऊतक जो मूल घाव से आगे तक बढ़ सकते हैं, एट्रोफिक निशान, दांतेदार निशान, अक्सर मुहासे के निशान में देखे जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे।